तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का प्रोस सेक्शन का सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम का वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट को याद करने में बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और आपका अगर इंग्लिश 100 मार्क्स का है, तो आप लोग जो इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही आसानी से आप सभी को समझाने वाले हैं और इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आप सभी का नहीं छूटेगा दोस्तों। अगर इसके बाद आप सभी अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने चलेंगे तो आप लोग का जो है एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस चैप्टर का, ठीक है दोस्तों। और फर्स्ट चैप्टर जो है आप सभी का करा दिया गया है, तो फर्स्ट चैप्टर भी देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही आप सभी को पूरा चैप्टर का मिलेगा। तो इसलिए आप सभी जो है हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है इन क्लासों का फायदा उठाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला जो है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे तो वो यानी प्रेसिडेंट के रूप में जो थे इंडिया के, तो वो कितने प्रेसिडेंट के रूप में थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में थे, ठीक है। याद रहेगा, आप लोग को पूछे जाते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज, तो आप सभी को अगर ऑप्शन दे देगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप सभी को याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में थे, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या पूछा गया है, देखिए दोस्तों दूसरा नंबर जो पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पैदा हुए तो वो कहाँ पैदा हुए? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पैदा हुए हैं वो यानी हैदराबाद में पैदा हुए थे, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? और कब पैदा हुए? तो आप सभी को याद रखना है 1867 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश हैदराबाद में हुई है, ठीक है। और उनकी मृत्यु जो है, मतलब की डेथ जो हुई है, वो 1969 में हुई है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि हु वाज टेक ओथ इन, यानी देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लिए थे तो वो कब लिए थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों 1967 को लिए थे, भूलिएगा नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है कब शपथ लिए थे, यानी ओथ लिए थे, तो आप सभी को याद रखना है 1967 को। आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, या फिर आप लोग पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं चार नंबर। चार नंबर क्या है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज द, मतलब कि देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो है शिक्षा क्या है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा जो है एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि प्राथमिक हथियार है, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों? ऐसे ही पूछे जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज द, उसके बाद ऑप्शन में दे देंगे, यानी ऑप्शन जो है आपको चार दे देंगे, तो आप सभी को याद रखना है कि वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यानी प्राथमिक हथियार है एजुकेशन डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ, यानी देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यानी ऑफिस में इंटर किए तो वो कैसा स्पिरिट के साथ? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी के साथ, मतलब कि प्रार्थना पूर्वक मानवता के साथ, ठीक है दोस्तों। याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर क्या है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, और इस चैप्टर से जितना पूछा जाएगा, तो आप लोग अगर इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो 100% गारंटी है आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम, यानी भारत इज माई होम जो है वो कैसा प्रोज पीस है? तो आप सभी को याद रखना है भारत इज माई होम एक जो है स्पीच है, ठीक है दोस्तों। भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेवन नंबर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न ऑन। देखिए ये आप सभी को इससे पहले बताए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पैदा हुए थे कब हुए थे, तो आप सभी को याद रखना है 1867, ये आप सभी को इससे पहले ही बता देते हैं, और कहाँ हुए हैं? तो हैदराबाद में हुए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर देखते हैं। एट नंबर क्या पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हुसैन की जो है मृत्यु कब हुई? तो आप सभी को याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन 1969, ठीक है दोस्तों। याद रखना है 1969 को उनकी मृत्यु हो गई, और 1967 में उनकी जो है
क्या यानी वो जो है शपथ लिए थे थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए उनका जो टेन्योर था 1967 से लेके 1969 का था, ठीक है दोस्त, 9 तक था और इनका टेन्योर 2 साल का ही था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, यानी देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन जो है कभी नहीं खोए अपनी जो है विश्वास को। तो आप सभी को याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कभी नहीं खोए अपने विश्वास इन हिज फेथ को, तो वो जो है इसेंशियल ह्यूमैनिटी को, ठीक है दोस्तों, इसेंशियल ह्यूमैनिटी में जो है वो कभी अपना जो है मानवता को जो है नहीं खोए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि यानी राधा कृष्णन वाज दे, राधा कृष्णन जो थे तो वो कितना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, राधा कृष्णन जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में थे, याद रखना है राधा कृष्णन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर राधा कृष्ण सॉरी डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते थे तो क्या देखते थे, तो यानी देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज तो वो देखते थे काम के कितने पहलू को। तो आप सभी को याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो देखते थे 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क देखते थे, यानी काम के 2 पहलू को देखते थे, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क, ठीक है, और क्या क्या, पहला तो सोशल, दूसरा इंडिविजुअल, ये दोनों जो है यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क्स नेम, तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 2 काम के 2 पहलू को देखते थे, तो उनका नाम क्या है, तो पहला सोशल दूसरा इंडिविजुअल, ये तो आप सभी को इससे पहले बताए, तो पहला क्या है सोशल और दूसरा इंडिविजुअल, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है तब इसको जो है वन लाइनर के रूप में लाए हैं ताकि आप सभी को याद करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मी टू लिव इन, मतलब कि देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा चैंपियन, मतलब क्या होता है कि समर्थक, हमेशा यहाँ ऑल मी नहीं होगा या मेन होगा, ठीक है दोस्तों, तो हमेशा समर्थन करते थे कि जो आदमी है वो अपना जिंदगी व्यतीत करे, तो वो कैसा, तो वो डिग्निटी का जीवन व्यतीत करे, ठीक है दोस्तों, याद रखना है डॉक्टर डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 14 नंबर। 14 नंबर क्या पूछा गया, देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन आल्सो सर्व्ड एज द डैश बिहार, यानी बिहार, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बिहार में सेवा दिए किस रूप में, तो आप सभी को याद रखना है गवर्नर के रूप में दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो सेवा दिए तो बिहार में, तो वो किस रूप में, तो वो गवर्नर के रूप में, क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 नंबर कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, मतलब कि यहाँ क्या पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कितने साल जीवित रहे, तो आप सभी को बता दे दोस्तों वो पैदा हुए 1867 में और उनकी वफात यानी मृत्यु जो हो गई वो 1969 में, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर उनका टेन्योर निकालिएगा तो वो 72 ईयर्स का आता है, ठीक है, क्लियर दोस्तों। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, तो आप सभी को याद रखना है 72 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्या है कि व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का प्रेसिडेंट के रूप में यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में अवधि कितना दिन का है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों यानी कितना दिन का टेन्योर है, तो आप सभी को याद रखना है 1967 से 1969, ये तो आपको इससे पहले ही बताए, और ये 2 साल का टेन्योर था, ठीक है दोस्तों, 1967 में वो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में ओथ लिए और 1969 में उनकी वफात हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। 17 क्या है कि एज अ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रेसिडेंट बाय, यानी देखिए प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले जो थे तो वो कौन थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है डॉक्टर राधा कृष्णन थे, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले कौन थे, तो आप सभी को याद रखना है डॉक्टर राधा कृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगर यहाँ पर आप सभी को और एक क्वेश्चन यानी पूछा तो नहीं जाता है लेकिन आप लोग क्लियर कर लीजिए कि एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन सक्सीडेड बाई, यानी इसके बाद कौन थे, तो वो इसके बाद जो थे ना वो वी गिरी थे, ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर।
ये 3 नंबर क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज जैस जैस एस्पेक्ट ऑफ वर्क, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं काम के कितने पहलू को, तो वो 2 यानी ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3, 4। तो आप सभी को याद रखना है 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क मतलब कि काम के 2 पहलू को देखते थे, पहला क्या है सोशल, दूसरा क्या है इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 क्या है कि ऑन विच ओकेजन यानी किस ओकेजन में डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, यानी कौन से ओकेजन में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच जो है दिए, यानी जो भारत इज माई होम जो स्पीच दिए, तो वो कौन से ओकेजन में दिए थे, तो टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तब जो है यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन वो स्पीच जो है डिलीवर्ड किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 क्या पूछा गया है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू प्रेसिडेंसी डैश डैश इक्विपमेंट, यानी देखिए कि डॉक्टर राधाकृष्णन साहब जो है वो यानी प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति के रूप में लाए, तो वो क्या लाए, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों यानी मेंटल इक्विपमेंट लाए। ठीक है, क्या लाए, मेंटल इक्विपमेंट मतलब कि मानसिक उपकरण लेकर के आए थे डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंसी के रूप में। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, यानी भारत इज माई होम जो है स्पीच उसको कौन लिखे हैं यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी को याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ यानी भारत इज माई होम का वन लाइनर के रूप में ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और ऐसे ही क्लासेस अगर आप सभी को चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं और भी आगे आप सभी को क्लास देते रहूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ भारत इज माई होम क्लियर हो रहा है, तो अब कल जो करेंगे थर्ड चैप्टर पिंच ऑफ स्नफ का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।